रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए एक और स्पेशल डिश आई है, लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो कि है चिकन मखनी हांडी। ये हमारी देसी डिश है जो कि हम सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी बहुत अच्छी मिलती है, सर्विंग के तौर पे भी, जो कि आप बहुत शौक से वहाँ जाकर भी खाते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत अच्छी और बहुत रियल रेसिपी बताना चाहती हूँ। व्यूअर्स, ये हम देखे मैं हांडी में बनाऊँगी, क्योंकि ये हमारी डिश का नाम हांडी है, तो मैं हांडी में बनाऊँगी। और हांडी को मैंने पहले से गर्म करने रख दिया है और इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है। आई एम व्यूअर्स, अब इंग्रीडियंट्स की तरफ करते हैं। और ऑयल मैंने व्यूअर्स हाफ कप डाला है, इसके अंदर मैं कम डालूंगी क्योंकि बाकी भी हमारे इसके अंदर काफ़ी रिच चीज़ें डालेंगी। व्यूअर्स देखें, मैंने वन के जी मैंने चिकन लिए, एक मैंने प्याज कट कर लिए दरमियाने साइज की, थोड़ा सा अगर हमें वाटर चाहिए होगा, थोड़ा सा बिल्कुल चाहिए होगा, तो वो मैंने एक कप रख लिया है। तीन नींबू हैं जो कि हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। एक चमचा भरकर अदरक लहसुन घर का पिसा हुआ, ये एक चमचा नमक, हाफ स्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ स्पून काली मिर्चें और हाफ स्पून वाइट पेपर, जिसको हम दक्कनी मिर्चें कहते हैं, जिसको वाइट पेपर कहा जाता है। ये मैं इसके अंदर दूध लिया है मैंने, और हल्का सा इसके अंदर मलाई भी है, जिसको हम उर्दू में मलाई कहते हैं और इंग्लिश में क्रीम कहते हैं, ये वो है, एक कप। और व्यूअर्स, ये देखिए मैंने भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने, और मैंने इसको अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। ये देखिए मैंने मक्खन लिया है 50 ग्राम्स, ये मक्खन है जो कि मैं हाफ अंडर कुकिंग के वक्त यूज़ करूँगी और हाफ मैंने सर्विंग के लिए यूज़ करना है। ये पिस्ता और बादाम मैंने कट करके रखे हैं, जो कि हम इसको ऊपर से डालेंगे। और ये हमारी, जब हमारी मखनी चिकन मखनी हांडी तैयार हो जाएगी तो इसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने तकरीबन, मैं इसके अंदर तीन हरी मिर्चें मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए रखूँगी, और चार हरी मिर्चें मैं कट करके अंदर डाल दूँगी। एक कप दही, और मैंने इसको अच्छी तरह फेटा है पहले से, और मैं और भी फेटूँगी और मैं इसको डालूँगी। तो व्यूअर्स देखें, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं फ्लेम हाई करूँगी, और जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम पाकिस्तानी खानों में, देसी खानों में हमेशा प्याज ही डलती है। ये मैंने प्याज इसके अंदर डाली और ये मैं प्याज को फ्राई करूँगी। मेरी बहनों देखिए, आप जब भी आप इसको ऑयल को के अंदर प्याज डालती हैं तो वो फ़ौरन से पकने लग जाती है, मगर देखें ये मक्खन, ये हाँ मिट्टी की हांडी है, तो इसके अंदर ज़रा मिट्टी की हांडी देर में गर्म होती है और देर तक गर्म रहती है, इसके अंदर खाना भी देर तक गर्म रहता है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई होना शुरू हो जाएगी तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। प्याज फ्राई हो गई है हमारी, ये देखें आप, लाइट सी ब्राउन नहीं करनी हमने। अब इसके अंदर जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था, ये हम डाल देंगे, 1 स्पून जो हमने लिया था, तो मैंने थोड़ा सा ज़रा हल्का चूल्हा कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा पेस्ट कर रही हूँ, ये अदरक लहसुन हमने डाला और लाइट से इसको फ्राई किया। अब हम अपनी चिकन डालेंगे इसके अंदर, 1 बाई 1 1 kg चिकन ली थी हमने, मैंने वॉश कर ली थी अच्छी तरह। इसको ज़्यादा, जब तक कलर नहीं चेंज हो जाता, हम इसको फ्राई करेंगे। टू मिनट मैंने बस प्याज को फ्राई किया था, अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट्स के लिए ढक दूंगी। ये जो मैंने चिकन पकाने के लिए रखी थी हांडी के अंदर, वो हमारी तकरीबन भुन चुकी है, उसका कलर भी देखें चेंज हो चुका है। 5 मिनट्स मैंने पूरी पकाई है ये ढककर, विदाउट वाटर के, कोई मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, और ये आराम से पक गई है, चिकन का अपना ही पानी निकला और ये पक गई है। अब हमने इसको भूना है मैंने अच्छी तरह, और प्याज भी तकरीबन गल चुकी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये जो दही था, ये मैं पूरा दही डाल दूंगी, मैंने इसको हल्का सा फेंट लिया है।
हाफ कप मैं इसके अंदर, जितना मैंने एक कप लिया था उसका हाफ कप मैं इसके अंदर दूध भी डाल दूंगी, थोड़ा सा मैं बचा लूंगी, बाद में मैं क्रीम के साथ डाल दूंगी। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, नमक, लीमू का रस, तीन नींबू ले लिए थे मैंने उसका रस निकाल लिया, बीज ना है आप ध्यान रखिएगा, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी है सबकी, सफ़ेद मिर्चें, मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। तमाम मसाले हमारे डल चुके हैं। अब ये देखें आप, ये मक्खन हाफ मैंने अभी, जब मैं क्रीम डालूंगी तो मैं उसके अंदर डालूंगी, और हाफ मैंने सर्विंग के लिए रख देना है। अब यह जी मैंने 100 ml की मेरी ये क्रीम है, जिसमें से मैं 50 ml यूज़ करूँगी, ओनली 50 ml, यानी कि हाफ पैकेट में यूज़ करूँगी। अब मैं इसको ढक रही हूँ, तकरीबन ये 15 मिनट्स आराम से अपनी पानी में खुद ही पकेगी, क्योंकि इसके अंदर दही डाला हुआ है। मैंने ढक दिया और मैंने ज़रा लो फ्लेम कर दिया, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना। अब 15 मिनट्स में बाद मिलते हैं आपसे जी। मसाला हमारा भुन गया, जैसे कि मैंने अब आपको बताया था कि मसाला भुनने की ये निशानी है कि ऑयल छोड़ देता है। 15 मिनट्स मैंने पूरा इसको पकाया। अब ये जो हमने दूध हमारा बचा हुआ था ये हम डाल देंगे, और ये हमारी क्रीम थी ये हम डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद ज़्यादा पकाते नहीं हैं, वरना तो हमारी क्रीम जो है वो फटने लग जाती है, उसका कलर भी ख़राब हो जाता है सालन का। तो बस हम थोड़ी देर 2 से 3 मिनट्स पकाएंगे, क्योंकि बस हम हमारा तकरीबन रेडी। बस मैं इसको अच्छी तरह मिक्सअप करूँगी, 1 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी और हमारा सालन रेडी होगा। ये हमने आज बनाई है चिकन मखनी हांडी। मैं बटर चिकन भी आपको इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी, आप ये नहीं, चिकन मखनी हांडी में और चिकन बटर चिकन में बहुत डिफरेंस होता है, स्पाइसेस का बहुत डिफरेंस होता है। ये मखनी हांडी है हमारी। ये मैंने मक्खन डाल दिया, हाफ मैंने रखा है अभी ऊपर सर्विंग के लिए, और ये मैं आपके सामने ही अभी हरी मिर्चें कट करके डाल दूँगी। ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली, और ये मैंने उसको एक हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में करके और ये मैंने कट कर दिया। 4 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर कट काट के डाल दी हैं। मक्खन भी हमारा चला गया है, बस अब ज़रा सा देर के लिए इसको, थोड़ी सी देर के लिए हम पकाएंगे, 2 मिनट बस, और ये मैं ढक रही हूँ हल्का सा चूल्हा, बस थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और अब मैं आपको फाइनल सर्विंग दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चिकन मखनी हांडी अल्लाह का शुक्र है रेडी हो गई है, अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब चीज़ें जो हमने सिर्फ 2 मिनट मैंने क्रीम को डाल के पकाया है, और आपने ज़्यादा नहीं पकाना क्रीम को डालकर, वरना आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी और वो टेस्ट भी नहीं आएगा, उसमें से ऑयल भी निकल आता है। फिर देख रहे हैं आप कितने मज़े की लग रही है। अब देखें मैं इसके अंदर, ये मैं मक्खन रख रही हूँ ऐसे कैसे, ये देखिए मैंने मक्खन रखा है, ये मैंने इसके अंदर पिस्ते और जो मैंने बादाम बारीक बारीक काटे थे ये आप रखें इसके अंदर डालें ऊपर से, साथ में ये मैंने हरी मिर्चें, चंद हरी मिर्चें क्योंकि हमने ऊपर भी डाल दी थी, अंदर पतीली में भी डाल दी थी, चंद हरी मिर्चें मैंने रखी। व्यस उम्मीद है कि मुझे आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।